हेलो गाइस, आई एम शहजाद अहमद फ्रॉम शेखजी डॉट कॉम एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 11। आज हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है होती थी हमारी जब हम जो है मीडिया क्यूरीज पे काम कर रहे थे। अगर आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने जो है कुछ मैक्सिमम की मीडिया क्यूरीज जो लगाई थी, मैक्सिमम जो है वन मैक्सिमम लगाई थी मीडिया क्यूरीज, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन जैसे ही हमने थर्ड लगाई थी मैक्सिमम क्यूरीज, तो वो क्या कर रहा था, जो हमारी फर्स्ट में लगी हुई मीडिया क्यूरीज थी वो उन्हें जो है एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था। ठीक है, आज हम देखते हैं कि हम कैसे जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग आपको दिखा देते हैं कि भाई वो कॉन्फ्लिक्टिंग क्या है। उसके बाद में हम जो है वो देखेंगे कि हम कैसे उसे जो है सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मीडिया क्यूरीज़। आपको बताया कि हमारी मीडिया क्यूरीज़ की सीरीज़ है एंड हम इसी पर काम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि कैसे आपने मिनिमम जो है वो मीडिया क्यूरीज़ को यूज़ करते हुए आपने चीज़ें जो है सेट की थी। ठीक है, वापस जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं एंड अगर हम स्क्रीन को जो है कुछ कम ज़्यादा करते हैं तो आपको पता है कि मिनिमम की मीडिया क्यूरीज लगी हुई थी, तो ये स्क्रीन जब बढ़ेगी तभी वर्क करेगी। फॉर सपोज़ ये तो हमारी कॉन्फ्लिक्टिंग जो है वो नहीं कर रही थी कि भाई आपको पता है जब 479 से अबव होगी तो ये अप्लाई होगा, 760 से अबव होगी हमारी विड्थ तो ये अप्लाई होगा, 1020 से अबव विड्थ होगी तो हमारा ये अप्लाई होगा। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे आने के बाद, देखें पहले ये है, थोड़ा सा बढ़ा तो ये हो गया, उसके बाद में थोड़ा सा बढ़ा तो ये हो गया। अगर आप हमारी लास्ट जो है वो ये है 10, मैं कहता हूँ कि अगर जब 1200 से बढ़े फिर क्या हो, फिर एक और मीडिया क्यूरीज अप्लाई करते हैं और जस्ट हम कलर जो है वो क्या करते हैं, कलर हम करते हैं ग्रीन। ओके, वापस जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ब्लैक है हमारा, ये देखें ब्लैक, ये वाली मीडिया क्यूरीज अप्लाई हो रही हैं बिकॉज हम 948 पे खड़े हुए हैं, तो 768 से अबव 948 होता है। जैसे ही आप इसे ओपन करके रखें, हम जैसे ही अपनी स्क्रीन बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे 1061 पे अभी हम खड़े हुए हैं, तो 1024 विड्थ जो है वो कम है 1061 से। अब जैसे ही हम आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो ग्रीन हो गई। तो अगर आप जो है मिनिमम विड्थ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें तो जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं हो रही आपकी। हम क्या करते हैं, ये मैक्सिमम कर लेते हैं। ओके, हम क्या करते हैं इसे जो है वो कमेंट कर देते हैं ताकि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो कि हो क्या रहा है। मैं कहता हूँ मीडिया क्या मैक्सिमम विड्थ, मैक्स विड्थ कितनी हो, मैक्स विड्थ फॉर इंस्टेंस 400 पिक्सल से जैसे ही मैक्स विड्थ हो तो हम क्या करें, जो हमारी क्लास है मेन उसे कॉल करें एंड हम क्या करें बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दें। अब होगा क्या, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर रेड है, जैसे ही 400 से कम उसे स्क्रीन मिलेगी तो वो ग्रीन कर देगा। रिफ़्रेश करते हैं तो अभी वो रेड ही लगाएगा, लेकिन जैसे ही 400 से कम मिलेगी, 480 400 से कम, ये 400 से कम, ओके ग्रीन है, ग्रीन नहीं है। वापस जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, 400 से कम, तो देखिए उसने ग्रीन कर दिया। 400 से कम जैसे ही मिल रही है वो ग्रीन कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई 700 से कम, मैं यहाँ पे आता हूँ, एक और मीडिया क्यूरीज लगाता हूँ मीडिया, और मैं कहता हूँ कि मैक्स विड्थ कितनी हो, 700 से, 700 पिक्सल से जब कम हो तब क्या करे। तब मैं कहता हूँ कि सेम क्लास को मैं कॉल करवाता हूँ यहाँ पे, सेम क्लास, और मैं कहता हूँ कि इसका कलर जो है वो येलो कर दे। वापस जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो अब देखें हो क्या रहा है, वो इसे कंसीडर ही नहीं कर रहा। हालांकि हम अभी अभी जो हमारी स्क्रीन साइज़ है वो हमारी स्क्रीन साइज़ है 320, देखें वो 400 को जो है वो काट रहा है 700।
ठीक है, मींस 700 की क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, 400 की क्यूरीज आपकी एग्जीक्यूट नहीं हो रही। ठीक है, अगर आप एक और मीडिया क्यूरीज लगाते हैं, एक और मैं मीडिया क्यूरीज लगाता हूँ, मैक्सबिट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक और मीडिया क्यूरीज, मीडिया एंड देन आपको पता है कि मीडिया क्यूरीज में मैक्सबिट्स पे काम कर रहे हैं फिलहाल के लिए। मैक्सबिट्स मैं कहता हूँ, मैक्सबिट्स जब 900 से कम हो तब क्या हो, तो हम टाइम बचाने के लिए ये कॉपी करते हैं, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देते हैं और हम कहते हैं कि इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाए। ठीक है, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप मैक्सिमम क्यूरी डिफाइन कर रहे हैं तो वो इन किसी भी चीज़ को जो है वो कंसीडर नहीं कर रहा, मींस जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो रही है। अगर आप नॉट इम्पॉर्टेंट यहाँ लगा देते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट लगा देते हैं, तब क्या करेगा, तब वो ये अप्लाई कर देगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही बिकॉज अभी हम 320 जो है हमारी साइज है विड्थ की, उस पर खड़े हुए हैं, तो उसने नॉट इम्पॉर्टेंट लगा दिया। अगर आप यहाँ सब जगह पे नॉट इम्पॉर्टेंट लगा दें, ठीक है, यहाँ पे भी नॉट इम्पॉर्टेंट लगा दें, तब क्या होगा, जस्ट हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है। अब देखिए वो क्या कर रहा है, वो आखिरी वाले को फिर कंसीडर कर रहा है, इन्हें एलिमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो कॉन्फ्लिक्ट मैक्सिमम विड्थ जब आप यूज़ करेंगे तो ये मोस्टली जो है वो होती हैं कॉन्फ्लिक्ट आपकी चीज़ें। तो हम आगे जाके देखेंगे कि हम जो है वो कैसे बच सकते हैं इससे, या कैसे जो है हम चीज़ों को जो है वो मैनेज करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारी सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं तो फीडबैक ज़रूर दें हमें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारी सीरीज़ को वाकई एंजॉय कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।